हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, और वो भी लड्डू जो है बिल्कुल इजली तरीके से हम बनाएंगे। जो आपके किचन में अवेलेबल है सामान, मैं उसी से बनाऊंगी। कुछ आपको बाहर से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये नॉर्मल वाला हमने बेसन यूज किया है। 2 कप हमने बेसन लिया है, 1 कप हमने लिया है चीनी, उसको हमने बारीक पीस ली है। इसे थोड़ा दरबराही है जो कि हमें लड्डू में मिक्स करना है। और हमने ले लिया है 1/2 कप देसी घी। आप चाहे तो बनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे छोटी हरी मिर्च, उसे डालेंगे। और इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, उसे हमने बारीक कट कर लिए हैं, उसे डालेंगे। अब चलते हैं, हम कढ़ाई को गैस पे गर्म करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गए हैं, अब इसमें मैं डालेंगे देसी घी। इसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी को बचा लेंगे, जो हमें बाद में इसे यूज करना है। फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को जब बनाएं तो आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर ले, उससे बहुत ही आपका इजली लड्डू बन जाएंगे। और इस लड्डू को हम नॉर्मल बेसन से बनाएंगे, लेकिन ये दानेदार होंगे। घी गर्म हो गया है, हमने थोड़ा बेसन डाल के चेक कर लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी बेसन, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। हमें लो फ्लेम पे ही हमें बेसन को भूनना है। इसको हमें कंटिन्यू चलाना है बेसन को, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये काफी ड्राई लग रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे हमारे बेसन पकेंगे, ये तेल को घी को रिलीज करेंगे। अब इसको हमें लो फ्लेम पे चलाते हुए भुनना है। फ्रेंड्स, ये लड्डू तो बहुत इजली बन जाते हैं, लेकिन हमें इसमें भूनने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपके स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। फ्रेंड्स, इसको हमको भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, और ये बहुत ही अच्छी सी इसमें धीरे धीरे भीनी भीनी खुशबू आ रही है किचन में। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, इसमें हमें थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो लड्डू हमारे अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसमें कंटिन्यू हमें चलाते हुए बनाना है। आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट और दानेदार बनेंगे, नॉर्मल बेसन से भी। इसको भूनते हुए हमें 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो हम बचे हुए घी रखे थे, उसको हम 1 चम्मच डालेंगे, और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसको भूनते हुए हमें 13 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं जो बचे हुए घी हैं, इसको मैं डालूंगी, जो हमने पहले से बचा के रखे थे। इससे हमारे जो लड्डू हैं काफी दानेदार होंगे। नॉर्मल बेसन से हम बना रहे हैं, लेकिन ये लड्डू आपके बिल्कुल मार्केट की तरह दानेदार लड्डू बन के तैयार होंगे। अब इसको मैं लो ही फ्लेम पे फ्रेंड्स भून रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हम 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे पानी। और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर इसमें आप कलर चाहते हैं तो इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल सकते हैं, जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा लड्डू का। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कलर बहुत ही अच्छा आएंगे। इसमें हम 3 पीस हल्दी डाल रहे हैं, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और इसमें स्मेल नहीं आएगी लड्डू में हल्दी की, लेकिन इससे कलर हमारा चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची फ्लेवर के लिए, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बेसन हमारे भून चुके हैं, अब इसको हम थाली में निकालेंगे। उनको भूनते हुए हमें 20 से 25 मिनट लग गए हैं, और अब सौंधी सी खुशबू आ रही है। बेसन से घी अच्छे से रिलीज हो गई है, और बेसन हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इनको हम थाली में निकालते हैं। भून गए, अब इसको मैं थाली में निकालती हूँ। बेसन हमारे अच्छे से भून गए हैं, अब इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, इतना कि जो हम हाथों से इसको टच करें, तब तक हम इसे अलट पलट करके ठंडा कर दे रहे हैं।
बेसन थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं, इतना ठंडे हो गए हैं कि हम हाथ से टच कर सकते हैं, ये हल्का गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी पिसी हुई चीनी। चीनी को हमें गर्म में नहीं मिक्स करना है, नहीं तो बेसन जो है बिल्कुल गीला हो जाएगा और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, चीनी और बेसन को। और इसमें जो हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है उसको भी डालते हैं। डालते हुए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चीनी और हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल दानेदार आपके लड्डू बनेंगे। देखने में ड्राई है लेकिन इसको लड्डू हमें बहुत इजीली बन जाएंगे। हमने ले लिया है लड्डू मेकर। अब इसके हम एक बराबर लड्डू हमारे बनेंगे, इससे हम अगर हम बनाएंगे तो एक तरह से हमें लड्डू बनेंगे। अब इनको हम हाथों से अच्छे से दबाएंगे और ये देखिए बिल्कुल लड्डू के शेप बन रहे हैं। अब इनको हम इसी तरह बनाते जाएंगे। लड्डू हमारे गोल हो जाएंगे एकदम। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे लड्डू को बनाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल और दानेदार आपके लड्डू बन गए, इजली आपके किचन के ही सामानों से। अब इसी तरह हम सारे अपने लड्डू बना लेंगे। मेरे सारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और बहुत इजली तरीके से हमने बना लिए हैं। आपको ये तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे फ्रेंड्स, अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो तो इस दिवाली आप इस लड्डू को जरूर बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके लड्डू ये कैसे बने। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है इजली आप तक मिले। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।